Hello, hello, and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. So, my dear students, this is for grade 7, and we are continuing the story, The Ashes That Made the Trees Bloom. We earlier read that there was an old couple who had a pet dog by the name Muko, and they really took very good care of the dog. Now, what happens is one day, when the man was in the field with his dog, the dog took him under a tree where on digging he got a lot of gold. And after that, he also got gold when he was making rice pastry. But there was this wicked neighbor who killed the dog. After that, the man had a dream that the dog told him to make a mortar and a hammer, and whenever he grinded rice in it, it turned into gold. So the wicked couple saw this from the window and they came and borrowed the mortar and the hammer. But instead of making gold, it made foul smelling worms. So they broke the mortar and they used it for firewood. अब क्या होता है इस स्टोरी में, आपने आपको याद होगा कि एक ओल्ड कपल होते हैं और उनका एक पेट होता है, ठीक है, एक कुत्ता जिसका नाम था म्यूको. एंड एक विकेट नेबर्स होते हैं, ठीक है, दुष्ट नेबर्स होते हैं उनके पड़ोसी, जो उस कुत्ते को मार देते हैं गुस्से में, ठीक है. सो उनको भी ये इच्छा थी कि उन्हें भी सोना मिले, जिस तरह से ओल्ड कपल को गोल्ड मिल रहा था तो उन्हें भी मिले, ठीक है. तो वो उस कुत्ते को मार देते हैं. अब जब पहली बार वो कुत्ता जो है उस बूढ़े आदमी के सपने में आता है, उसे बताता है कि जो पाइन ट्री है उसकी लकड़ी से वो एक मोर्टार बनाए, मतलब ओखली, एंड उसे कूटने का हैमर, ठीक है. तो वो जब भी उसे कूटता था वो सब कुछ सोना बन जाता था. सो अब जो नेबर्स थे उन्होंने ये देखा तो उन्होंने आके उधार ले लिया उसका मोटर एंड कूटने का हैमर. लेकिन जब उन्होंने कूटा तो सोना नहीं बना, इंस्टेंट कीड़े मकोड़े बने थे. तो वो उसे तोड़ के काट के आग में जला देते हैं. अब आगे क्या होता है, लेट अस सी. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. And the spirit of the dog said to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब उसके कुछ दिनों बाद जो बूढ़ा आदमी था वो दोबारा सपना देखता है. फिर जो कुत्ता होता है उसकी आत्मा दोबारा आती है और उसे बताती है कि वो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने कैसे उसकी जो मिल थी, मोटा थी, उसे जला दिया था, ठीक है. तो अब वो ये कहता है कि उसकी जो राख है उसे लो, और वो जो आग है, आग वो जो राख है उस जले हुई मिल की, ठीक है, जो सूखे हुए पेड़ हैं उन पे जाके छिड़क दो. स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, विदर्ड मीन्स बेयर एंड ड्राई, ठीक है, जो पेड़ सूख चुके हैं, मुरझा गए हैं, उन पे जाके छिड़क दो, वो दोबारा ब्लूम हो जाएंगे, खिल उठेंगे. कुत्ते की स्पिरिट उसे ये कहती है. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायरप्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. अब वो क्या करता है, जब वो उठा तो वो फौरन जाता है अपने उस पड़ोसी के यहाँ, वो जो विकेट बुरे नेबर्स हैं, तो उन्हें देखता है कि जो मिजरेबल ओल्ड पे, मतलब जो कंजूस हैं, उन्हें देखा कि वो वहाँ बैठे हुए थे अपने जो फायर प्लेस होती है, फायर प्लेस मतलब जिसके अंदर आग जलाते हैं, वो जगह चौकोर थी, वो स्क्वायर थी शेप में, वहाँ पर बैठे थे वो, एंड वो स्मोकिंग कर रहे थे, स्पिनिंग कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम द फायर, ठीक है, और वो अपने हाथ पैर सेक रहे थे, ठीक है. देखते हैं फिर क्या होता है आगे. Let us see. Okay. उसके बाद, while behind them lay a pile of broken pieces, the good old man humbly asked for the ashes. Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. अब जो good old man होता है ना, बूढ़ा आदमी, अच्छा वाला, वो उनसे बहुत इज्जत से, अच्छे से कहता है कि मुझे वो राख दे दो. अब वो जो बूढ़े कपल होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, यू नो, जैसे मना करेंगे या बहुत गुरूर में, तो ऐसे उसे देखते हैं, उसे डांटते हैं
जैसे कि वो चोर है कोई, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे उसकी बास्केट भरने देते हैं राख से। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। इट बींग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स व्हिच परफ्यूम्ड द एयर। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। जब वो घर लौटता है वो अपनी वाइफ को लेके गार्डन में जाता है। देखो अब विंटर का मौसम था सो उनका जो चेरी ट्री था वो खाली था, मतलब कि उस पर पत्ते फूल चेरी नहीं थे। तो वो क्या करता है, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, पिंच बिल्कुल एक चुटकी भर राख लेके उस पर छिड़कते हैं। एंड देन देखो क्या होता है, इट्स स्प्राउटेड ब्लॉसम्स मतलब उसमें से फूल निकलने लगे, फूल खिलने लगे और वो एक बहुत पिंक ब्लूम्स हो गए, मतलब क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स। क्लाउड बादल होता है लेकिन यहाँ पर हम बादल नहीं कह रहे, मतलब पूरा पेड़ जो है वो ढक गया फूलों से। एंड इतनी खुशबू थी कि हवा में खुशबू भर गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल द विलेज, ये खबर पूरे गाँव में फैल गई और सब भाग के आए ये वंडर देखने। वंडर होता है कुछ अलग जो होता है, अजीब जो हो गया, ठीक है। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम। अब वो जो वो विकेट वाले कपल थे उन्होंने भी एक स्टोरी सुनी तो वो क्या करते हैं, जितने भी राख बचती है उसे जल्दी से इकट्ठा करके रख लेते हैं कि वो भी पेड़ों पे डालेंगे ताकि उनके पेड़ खिल उठे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट दिस दैट इज लॉर्ड द डायमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड। चलें ये बताऊंगी, अब देखें ये बूढ़े कपल हैं अच्छे वाले एंड ये बास्केट है इसमें राख लाते हैं। ये इनके चेरी के ट्री हैं, देखें बिल्कुल सूखे खड़े हैं लेकिन जब इन पे राख छिड़कते हैं तो देखें गुलाबी फूल सारे में इस पे आ जाते हैं, ठीक है, ये ब्लूम हो जाता है, खिल उठता है। ओके, अब ये जो ये आदमी है काइंड ओल्ड मैन जो है, इसे खबर मिलती है कि डायमियो, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, डायमियो जो जापानीज अमीर जमींदार होते हैं, जमीन जिनकी होती है बहुत, तो वो होते हैं। सो एक डायमियो वहाँ से गुजरेगा, ठीक है, उसे खबर मिली थी कि वहाँ से एक डायमियो गुजरेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपनी बास्केट लेता है राख की और उससे मिलने निकलता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, ठीक है। तो जब ट्रेन रुकती है वो जाता है, ठीक है, एक विदर्ड चेरी ट्री जो साइड में होता है, एक सूखा हुआ चेरी का ट्री। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोस इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. अब क्या होता है कि उस जमाने में क्या होता था, उस टाइम की रीति रिवाज ये थी कि जब ये डेमियोज वहाँ से गुजरते थे तो जितने भी लोगों के घर बहुत ऊंचे होते थे ना और उनकी खिड़कियाँ बहुत हाई ऊपर होती थी दीवार में, वो उन्हें बंद कर लेते थे और उन पे कागज़ भी लगा देते थे क्योंकि ये एक तरह से बेइज्जती होती थी कि ट्रेन में नीचे जो है वो डायमियोज उनका लॉर्ड मतलब उनका उनकी सरकार वहाँ से गुजर रही है और वो ऊपर से उनकी तरफ नीचे देखेंगे, ठीक है, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई। अब ये देखें कि जितने भी लोग होते थे ना सड़क पे वो घुटनों पे होते थे और उसके बाद दोनों हाथ जमीन पे रख के अपना मुंह भी जमीन पे रखते थे नीचे की तरफ, ठीक है, झुके रहते थे, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट ये है, ये जो वर्ड है प्रोस्ट्रेट, इसका मतलब है कि जमीन पे पहले घुटने टिकाओ उसके बाद झुक के हाथ रखो और फिर मुंह भी अपना फेस भी जमीन की तरफ रखते थे, ठीक है, जब तक वो वहां से गुजरता नहीं था। द ट्रेन ड्रू नियर, one tall competent man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. So jab train kafi kareeb ho gayi thi to ek lamba sa aadmi bahar aake kya kehta hai sabko chilla chilla ke ki get down on your knees, sab apne ghutno pe ho jao, apne ghutno pe baith jao, theek hai, to sab apne ghutno pe jhuk jate hain jab wahan se guzarte hain।
Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. अब क्या होता है कि जो लीडर होता है ना वैन का, वो देखता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो ऊपर पेड़ पे है। अब ये तो गलत बात थी, उसे गुस्सा भी आ गया था जब सबसे कहा था कि वो नीचे आए, नीचे रहें झुके हुए, ठीक है। पर वो क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, ओल्ड फेलो, बूढ़ा आदमी है, तो वो क्या कहता है कि चलो। वो फिर ऐसे करता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं, प्रिटेंडेड मतलब फेक एक्टिंग करता है जैसे उसने बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं, और वो गुजर जाता है। So when the Demios palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. जब Demios की palanquin drew near, मतलब जब करीब आई, palanquin होती है royal van या cart, जो जिसमें king बैठा होता है, वो वाली खास तौर से जो छोटी सी van होती है। तो बूढ़ा आदमी क्या करता है, ऊपर पेड़ पे होता है, वहां से अपनी बास्केट में से थोड़ी सी राख लेता है और पेड़ पे छिड़क देता है। एक सेकंड के अंदर, इन अ मोमेंट, वो बिल्कुल खिल उठता है पूरा पेड़, ठीक है। अब देखो क्या होता है, द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन टू हिम। He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. अब डेमियो जो है बड़ा, उसे बड़ी हैरत हुई, surprised हुआ, ठीक है, खुश भी हुआ। वो ट्रेन रुकवाता है, ठीक है, order the train to be stopped, ट्रेन रुकवाता है और बाहर आके ये wonder देखता है। अब वो उस बूढ़े आदमी को बुलाता है, उसे thank you बोलता है और उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी देता है। सिल्क रोब्स मतलब जो उनके कपड़े होते हैं बड़े बड़े से, स्पंज केक होते हैं, फैंस हैं एंड और भी रिवॉर्ड्स मतलब गिफ्ट्स वगैरह उसे दिए, यहाँ तक कि उसे अपने महल में भी इनवाइट किया, कैसल। सो जो बूढ़ा आदमी होता है बड़ी खुशी से घर जाता है और अपनी वाइफ के साथ ये खुशी शेयर करता है, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर जाके सब बताता है। लेकिन जो पड़ोसी होता है, जो ग्रीडी लालची पड़ोसी जो होता है, जब उसने सुना, वो क्या करता है, वो थोड़ी सी वो जो आग बचा के राख उठा के रख लेता है ना बास्केट में, वो उसे लेके और बाहर जाता है हाईवे पे। फिर वो इंतजार करता है कि डेमियो की ट्रेन आए, और उसने भी वही किया, मतलब वहाँ झुकने के बजाय वो भी एक सूखे हुए चेरी के ट्री पे चढ़ के बैठ जाता है। उसे भी वही करना था कि जब डेमियो आएगा उस पर छिड़केगा। लेकिन When the Demio himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. अब क्या हुआ? जब Demio बिल्कुल वहाँ पहुँचने ही वाला था, तो ये wicked neighbor क्या करता है? हाथ भर के जो ashes होती है राख, पेड़ पे छिड़क देता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा क्या होता है? The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Demio and his wife. वो जो राख थी, हवा इतनी तेज चली कि वो राख उड़ के डेमियो के और उसकी वाइफ के नोज एंड मतलब नाक और आंख में भर गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इतनी छींके आए और इतने खांस उठे वो, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। उनका जितना भी उनकी मतलब ये थी ना शान थी, उस सब में वो सब खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन टू योर नीज सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch near the road. अब जिसका काम था ना, वो चिल्ला रहा था get down on your knees, झुक जाओ, वो क्या करता है, वो बाहर आता है, उस बेवकूफ बुड्ढे को पकड़ के कॉलर से घसीट के पेड़ पे से उतारता है और उसे और उसकी राख भरी बास्केट को रोड के पास नाले में धक्का दे देता है, ठीक है, डिच मतलब नाली। Then beating him soundly, he left him for dead. और उसे काफी पीटा और वहां मरने के लिए छोड़ देता है। Okay? So उसे वहां छोड़ देता है कि वो मर जाए। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. अब देखें, वो आदमी बुरा था, वो गलत करता था, उसने पहले उस कुत्ते को मारा, फिर उस अच्छे वाले जो लोग थे उनका
जो मोटर था उसे लेके उसे जला दिया। ठीक है, वो गलत करता था हमेशा, इसलिए वो वहाँ उसके साथ गलत हुआ, वो वहाँ पर कीचड़ में मर गया। लेकिन जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे बूढ़े कपल थे, ठीक है, कुत्ते के जिन्होंने ख्याल रखा था, वो हमेशा खुशी में रहे, सुकून से रहे, और उनके पास बहुत था और उन्होंने एक अच्छी बुढ़ापे की जिंदगी गुजारी थी। ठीक है, सो देखिए, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। वो ओल्ड कपल थे, वो उस कुत्ते के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे, उसे मारते नहीं थे, उसे खाना देते थे, उसका ख्याल रखते थे। तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना है, जानवर जो होते हैं वो बेजुबान होते हैं, जबान है लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो हमें बता नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि कुत्ता फिर रहा है, प्यासा है, उसे पानी दो। घर में खाना वेस्ट करने के बजाय जानवरों को दो, वो आपको दिल से दुआ देते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन करते वो भी सब कुछ है, और अच्छे जानवर होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप जाके लगाव करो और वो आपको काट ले, नहीं, लेकिन मारा मत करो, न डंडे से न लात मारा करो कभी भी। जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, छोटे बड़े जानवर सभी का। ठीक है, अच्छा करो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो देखो बुरा ही होगा। ठीक है, सो लर्न द गुड थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड एंजॉय इट वंस मोर। थैंक यू।